गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि एक एलएन स्टूडेंट जो कोटा में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, उसकी दिन भर की एक्टिविटीज क्या होती हैं, कितना टाइम उसे फ्री मिलता है, कितने आज की कोचिंग होती है, कहाँ कोचिंग जाता है, कैसे होता है। तो हाँ, वीडियो में बने रहे, एंड तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो लोग कोटा आने चाहते हैं अगले साल, वो भी इस वीडियो को देख सकते हो। जो लोग कोटा में हैं स्पेशली, वो भी देख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो अभी नीचे जाता हूँ मैं, नीचे नाश्ता वगैरह चालू हो गया होगा मैं इसमें। तो नाश्ता वगैरह करके मैं थोड़ा एक वॉक करके आता हूँ बाहर, मॉर्निंग वॉक। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। मैंने अपना रूम कर दिया लॉक फाइनली। अब लिफ्ट से चलते हैं नीचे अपन। नाश्ता वगैरह करके थोड़ा बाहर आ गया हूँ घूमने। मौसम काफी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की धूप आने लगी है वैसे तो, बट ठीक है। एक राउंड आके आते हैं और फिर चलते हैं वापस रूम पे। थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, होमवर्क जो भी है अपना वो कंप्लीट करते हैं। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पर, फैक्ट्री पर जहाँ से कोल जाता है ना, वो वाला रेलवे ट्रैक है। तो इसके उस साइड जा रहा हूँ मैं। उस साइड क्या है ना कि एक ओपन सा ग्राउंड है, तो हाँ वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा। चले चलते हैं, यहाँ से जगह है। ऊपर तो आ गया मैं, बाकी नीचे जाने के लिए सामने से जगह है शायद। तो यहाँ से है जगह, यहाँ से उतरना पड़ेगा गाइस। चलिए उतर पाऊंगा। कुछ गाइस नीचे तो आ गया, और इधर है थोड़ा ओपन सा ग्राउंड, और बाकी यहाँ पर और लोग भी घूमने आते रहते हैं। बाकी सही जगह है इस कारण। के वापस आ चुका हूँ, तो अभी वापस चलते हैं यहाँ से। और ये रास्ता काफ़ी टिपिकल है, फिसलते हैं यहाँ पर, मतलब ऊपर जाने में। तो चलते हैं। ओ भाई, तो फाइनली आ चुके हैं इसके ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं अपने हॉस्टल, अपने रूम पे। बाकी तो गाइस नीचे तो आ चुका हूँ, चलते हैं अभी हॉस्टल पे। इधर ही है अपना हॉस्टल, और फिर करते अभी पढ़ाई स्टार्ट। तो ये रहा अपना हॉस्टल, तो चलते हैं अपने 6th फ्लोर पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूम पर, और अभी हो रहा है टाइम करीब 8 बज रहे हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, क्योंकि रिवीजन कर लेता हूँ थोड़ा बायोलॉजी का। सारा कंप्लीट कर लिया है, तो अभी फाइनली मैं, अभी 10:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं नहा लेता हूँ और फिर डायरेक्टली एलएन के यूनिफॉर्म पहन के नीचे मैच में जाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम हो जाएगा। तो फिर खाना वाना खा के अपन निकलेंगे एलएन कोचिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा दोपहर का बैच है, तो मेरे को 2 बजे से क्लासेस चालू होंगी मेरी। तो करीब 1 बजे या 1:20 तक मैं यहाँ से निकल लूँगा। और सुबह वाला बैच होता है तो वो 6:30 बजे से होता है, तो 5 बजे से भी पहले उठना पड़ता है उसके लिए, बट मेरा है 2 बजे। तो हाँ अभी मैं होता हूँ। मैं फाइनली नहा लिया और यूनिफॉर्म पहन ली, मैंने रेडी हो गया। तो अभी 12 बज चुके हैं, तो लंच का टाइम भी हो गया है। तो नीचे चलते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद ऊपर आते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, और 1:15, 1:20 तक चलते हैं अपन कोचिंग के लिए। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सीढ़ियों से नीचे, क्योंकि लिफ्ट बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे थी, और पता नहीं कितना टाइम लगता है, तो मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं पीछे वाली मैच में जा रहा हूँ अभी। तो देखते हैं आज क्या बना है खाने में।
तो गाइस यहाँ पर मूली है, अचार है, रोटी है, ये चावल बने हुए हैं, दाल, और ये कोई ग्रेवी वाली सब्जी है, आलू की सूखी सब्जी, और यहाँ पर छाछ। तो चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस अभी खाना खा लिया है फुल, और अब मैं जा रहा हूँ वापस रूम पे। रूम पे जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद डायरेक्टली मिलता हूँ कोचिंग निकलते वाले टाइम पे। अभी हो चुका है टाइम कोचिंग जाने के लिए, तो 1:20 हो गए, 1:20। तो अभी अपना बैग उठाते हैं यहाँ से और चलते हैं डायरेक्टली कोचिंग। तो चलिए, अभी मैं कोचिंग के लिए निकल चुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सम्यक वन के साइड से, और यहाँ पर सामने काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। बाकी धूप काफ़ी है और बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट बैच की छुट्टी हो रही है और सेकंड बैच जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे भी हैं सामने। तो चलिए आगे मिलता हूँ आप लोगों को। जो बिल्डिंग आगे देख रहे हो आप, ये है संज्ञान की बिल्डिंग, बट हमारी कोचिंग जो क्लासेस लगती है वो लगती हैं सम्यक 2 में, और इस साइड से हम जाने वाले हैं। तो इस साइड है सम्यक 1, उससे थोड़ी और आगे सम्यक 2 है, तो वहीं जाना है हमको। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आ चुका हूँ मैं सम्यक 2 के सामने। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये सम्यक 2 है, तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो गर्मी लग रही है, हालांकि अंदर क्लासेस में तो एसी लगी है तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी पहुँचते हैं क्लासेस में। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं अपन एलन। गाइस जो हमारी क्लास है वो है MNI 5, तो उधर है थोड़ा इस साइड जो वाटर कूलर है इसके, तो हालत ख़राब हो जाती है गाइस गर्मी में आने में। अभी पहुँच चुके हैं बिल्कुल एलन की क्लासेस में, और डायरेक्टली चलते हैं क्लास में और बैठते हैं। अभी कंफर्म करते हैं अपनी अटेंडेंस, तो यहाँ पर डायरेक्टली पंच करते हैं इसे, और ये ओके आ गया। तो यहाँ पर अटेंडेंस कंफर्म हो चुकी है, और बाकी अपन एंटर कर चुके हैं अपनी क्लास में। भाई पूरी बेंचेस भर चुकी हैं यहाँ पर आगे से पीछे तक। अब हमारी जो रो है यही है। तो फाइनली मैं अभी क्लास में आ चुका हूँ, थोड़ा लेट हो गया, तो सामने से पूरी बेंचेस भर चुकी हैं। लास्ट से थर्ड ब्रेंच मिली है क्योंकि हम हो गए थे थोड़ा लेट। फाइनली हम क्लास में तो एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर बेंच भी हमने कर ली है हमारी। बाकी सामने से पूरे बेंचेस पहले से ऑलरेडी फिल हो गए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इस कारण। बाकी पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। एग्जैक्टली इस क्लास की स्ट्रेंथ है 200, तो मिनिमम 180 बंदे तो आते हैं रोज। और ये हमारे फ्रेंड्स लोग बैठे हैं यहाँ पर हमारे साथ, ये भाई हमारे दोस्त था। यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन लगी रहती है, जैसे टेस्ट का सिलेबस, ये रिसेंटली 9 तारीख को जो कॉमन टेस्ट है उसका सिलेबस है ये, बाकी शेड्यूल है कौन सा। और यहाँ पे आगे जाते हैं तो एक और नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर रैंक वगैरह लगती हैं टेस्ट की, जो रिजल्ट आता है वो, और उसके आगे जो है वाटर कूलर, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है यहाँ पर, पर पीने का पानी मिल जाता है ठंडा। वहाँ पर जब लेक्चर्स के बीच में ब्रेक्स होते हैं ना, तो वहाँ पर कैंटीन है, एक नीचे भी है, देखो वहाँ पर कैंटीन लिखा है, क्लास काउंटर के पास में कैंटीन है और ऊपर भी है सेम, तो कैंटीन से अपन कुछ भी बाय वगैरह कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर डाउट काउंटर्स हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर डाउट काउंटर लगते हैं, जो सुबह का डाउट काउंटर होता है वो होता है करीब 10 बजे के आसपास, तो टाइम शेड्यूल रहता है उस टाइम पे, यहाँ पर जो सर टीचर्स हैं वो बैठते हैं, तो अपन आकर यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं अपना। गाइस वहाँ पर बैक टू बैक 4 लेक्चर होते हैं हर दिन, और एक लेक्चर होता है 1.5 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे का। तो फर्स्ट पीरियड मेरा स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिला, फिर सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। ब्रेक में अपन कैंटीन जा सकते हैं, टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह जो भी जाना है वहाँ जा सकते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड चालू हो जाता है। ऐसे ही 4 लेक्चर्स लगते हैं दिन के, और 4 लेक्चर्स में लगभग 6.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो अभी मिलता हूँ डायरेक्टली आपको छुट्टी के टाइम।
14 मिनट तक करके आना। फाइनली गाइस क्लासेस हो चुकी हैं ओवर और अभी सभी बच्चे घर जा रहे हैं। अभी करीब 8:30 बज चुके हैं और पूरा 6 घंटे बैठे बैठे पूरा टायर्ड हो गया है। 1.5 घंटे का एक लेक्चर था तो टोटल 6 घंटे मैं बैठा रहा हूँ। थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक भी मिल जाता है तो बस आज के लिए बस इतना ही था। बाकी पहुँचते हैं रूम पर पहुँचने के बाद डायरेक्टली नीचे आके मैस में खाना वगैरह खाएंगे। वापस जाके थोड़ा बहुत देखेंगे अपना जो भी काम दिया है एलन से, उसके बाद डायरेक्टली सो जाएंगे। तो बस फाइनली अभी मैं कोचिंग से रिटर्न हो रहा हूँ अपने हॉस्टल और अब बाकी कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्टली मैं करीब 8:45 तक या कभी कभी जल्दी छुट्टी हो जाती है ना तो 8:30 बजे तक मैं हॉस्टल पहुँच जाता हूँ। उसके बाद 9 बजे तक मैं जो नीचे मैस में खाना वगैरह है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। वो कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली रूम में जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ 1.5 घंटे का और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ रात को क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग पे 6-6 घंटे पढ़ाई करके आते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं। इस कारण से रात को थोड़ी कमी पढ़ाई हो पाती है। बाकी सुबह उठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ तो उतने में कवर हो जाता है जो भी होमवर्क रहता है। और ठीक है, बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।